स्टूडेंट्स हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर माय यूट्यूब चैनल। सो माय टुडेज टॉपिक इज कंटिन्यू ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस। दिस इज द थर्ड क्लास। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। ओके, सो हमने पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड डेफिनेशन के बारे में हम लास्ट क्लास में देखा। कॉजेस एंडोमेट्रियोसिस मींस द नॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट इन द यूट्रस इज ग्रोइंग आउटसाइड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट्स लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, पेल्विक कैविटी एंड समटाइम्स इन एब्डोमेन। ओके, सो मेनी रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज। सो मेनी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, सो ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स एंडोमेट्रियल टिश्यू अलग ऑर्गन में डिपॉजिट्स होने से क्या करते हैं, एवरी मंथ दैट काजेस द मेनस्ट्रुएज। ओके, दैट मेनस्ट्रुएटेड ब्लड दैट कलेक्ट इन साइड द बॉडी ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज चॉकलेट सिस्ट। दिस चॉकलेट सिस्ट कलेक्ट एंड हील एवरी मंथली, सो दैट काजेस द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन काजेस इरिटेशन, ड्यू टू द इरिटेशन दैट काजेस द इरिटेशन दैट प्रमोट्स द अडेशंस, अडेशन दैट काजेस द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फेलोपियन ट्यूब एंड द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब का भी ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो इसके वजह से लिए क्या होता है, सो सीवियर अक्यूट एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकते हैं, डिसपेरिनिया हो सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम पेन होने चालू होता है, इस तरीके से सिम्टम्स दिखने चालू होता है। सो टुडे वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस में सबसे पहला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल सिम्टम्स इज मेनस्ट्रुअल पेन। ओके, सो मेनस्ट्रुअल पेन, मेनस्ट्रुएशन का टाइम पेन होता ही होता है। ओके, डिसमेनोरिया बोलते हैं उसको। ओके, मेनस्ट्रुअल पेन दैट मीन्स दैट इज अ डिसमेनोरिया बिकॉज द एंडोमेट्रियल टिश्यू विच इज प्रेजेंट आउट ऑफ द यूट्रस दैट काजेस द पेन काजेस होता है, उसके वजह से डिसमेनोरिया होता है। ओके, तो डिसमेनोरिया इज द मेनस्ट्रुअल पेन और डिसमेनोरिया इज द वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल साइन ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में मोस्ट क्लासिकल साइन में दिखते हैं। ओके, पेन विथ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, हमने अगर दूसरा सिम्टम्स के बारे में हम देखा तो सो पेन विथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन होता है, पेन विथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पेन होता है। ओके, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स द फीमेल परस्यूड्स सीवियर पेन। ओके, इनटॉलरेबल पेन, टॉलरेबल नहीं तो एक्चुअली पेन होता है पर इनटॉलरेबल पेन होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज डिसपेरिनिया। ओके, पेन विथ सेक्सुअल इंटरकोर्स डिसपेरिनिया, डिसपेरिनिया बोलते हैं उसको। पेन विथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। ओके, मेनस्ट्रुअल पेन होता है, मेनस्ट्रुएशन के टाइम पेन होता है। ओके, पेन विथ बॉवेल मूवमेंट। ओके, बॉवेल मूवमेंट के टाइम पेन विथ बॉवेल मूवमेंट बॉवेल एंड ब्लैडर मूवमेंट। ओके, पेन विथ बॉवेल एंड ब्लैडर मूवमेंट। ओके, ड्यूरिंग डेफिकेशन। ओके, ड्यूरिंग डेफिकेशन एंड यूरिनेशन सो समटाइम्स पेन इज परस्यूड टू द पेशेंट बिकॉज ऑफ दिस एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी। ओके, पेल्विक कैविटी में अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू इम्प्लांट हो गए तो सो बाउल मूवमेंट के टाइम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, बाउल मूवमेंट के टाइम एंड ब्लैडर मूवमेंट के टाइम यूरिनेशन के टाइम भी पेन होने के चांसेस होता है। ओके, हैवी मेनस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ में क्या होता है, हैवी मेनस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होता है। ओके, ड्यूरिंग मेनस्ट्रुएशन द एक्सेसिव ब्लड इज शेड अप फ्रॉम द यूट्रस, क्योंकि हैवी मेनस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। ओके, देन इरेगुलर मेंसेस, मेनस्ट्रुएशन भी पीछे होता नहीं है, इरेगुलर मेंसेस होता है। ओके, साथ में समटाइम्स बैक पेन होता है, लेस कॉमनली बैक पेन होता है। ओके, मसल्स पेन होता है, बैक पेन मसल पेन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन पेन होता है, डिस्यूरिया होता है, डिस्यूरिया ये। ओके,
पेन ड्यूरिंग बावेल एंड ब्लैडर मूवमेंट डिसूरिया पेनफुल यूरिनेशन होता है। ओके ओके, इसके साथ में और क्या हो सकता है साथ में? दीज आर द क्लासिकल साइन ऑफ एंडोमेट्रियासिस। एंडोमेट्रियासिस का टाइम इस तरीके से सिम्टम्स दिखते हैं। सो व्हेन द एक्टोपिक एंडोमेट्रियल इम्प्लांटेड टिश्यू इज ओके मेंस्ट्रुएट, मींस एक्टोपिक मतलब वो जगह से दूसरा जगह में, मतलब व्हेन द एक्टोपिक एंडोमेट्रियल इम्प्लांट साइट इज मेंस्ट्रुएट, जब वो दूसरा जगह में जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है तब वो मेंस्ट्रुएट करता है, मींस ब्लीड करता है, तब क्या होता है? सो दैट कॉजेस द कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द सराउंडिंग टिश्यू। सराउंडिंग टिश्यू में ब्लड कलेक्शन करते हैं। ओके, दैट अपीयर्स लाइक अ ब्लूइश ब्लैक कलर, दैट अपीयरेंस लाइक ए ब्लूइश ब्लैक इन कलर, ब्लूइश ब्लैक कलर दिखने चालू होता है। ओके, दैट अपीयर्स लाइक अ ब्लूइश ब्लैक कलर, ब्लूइश ब्लैक कलर, दैट अपीयर्स ब्लूइश ब्लैक कलर, दैट अपीयर्स ब्लूइश ब्लैक कलर, ब्लूइश ब्लैक कलर अपीयर्स होने चालू होता है। ओके, इफ सपोज एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो दैट कॉजेस द इंफ्लेमेशन, इंफ्लेमेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफ्लेमेशन होता है, इंफ्लेमेशन दैट कॉजेस इरिटेशन, इरिटेशन करता है। ओके, दैट इरिटेशन प्रमोट्स एडहेजन, इरिटेशन से एडहेजन होने चालू होता है। ट्यूब्स क्या होता है? एडहेजन्स होता है, आइदर फैलोपियन ट्यूब में हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो और फैलोपियन ट्यूब में हो, सबसे पहले इंफ्लेमेशन होता है ब्लीड होने से, बाद में इरिटेशन होता है, इरिटेशन से एडहेजन्स होता है। सो एडहेजन दैट कॉजेस द ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब, ट्यूब को क्या करते हैं? ब्लॉकेज करते हैं, ब्लॉक करते हैं। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक होगा तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक दैट कॉजेस एक्यूट एब्डोमिनल पेन, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, सीवियरली सडनली एक्यूट एब्डोमिनल पेन होने चालू होता है। एंड इफ सपोज फैलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट दैट कॉजेस द ओके दैट कॉजेस सीवियर सीवियर पेन ऑल्सो, दैट कॉजेस सीवियर पेन। ओके, सो दिस टाइप सिम्टम्स आर अपीयर इन द एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में हमने इस तरीके से क्लासिकल साइन देखने मिलता है। ओके, दीज आर द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। तो सबसे पहला मेनिस्ट्रुअल पेन होता है, डिस मेनोरिया होता है, सो साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स पेन होता है, सो दैट इज द डिसपेरिनिया बोलते हैं। ओके, एज वेल एज मेनिस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होता है। ओके, पेन ड्यूरिंग बावेल एंड ब्लैडर मूवमेंट होता है। ओके, एंड ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस रिगार्डिंग द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या करते हैं? सबसे पहला हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ओके, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन। सो उसके बाद में पेल्विक एग्जामिनेशन। इन फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ओके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, पेन, ओके साइट ऑफ पेन, ड्यूरेशन ऑफ पेन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेल्विक एग्जामिनेशन ओके, आप पाल्पेबल ऑफ दी एनी मास इन दी एब्डोमेन आइदर इन पेल्विक रीजन में, ब्लैडर को ऊपर, ब्लैडर का साइड में एनी मास पाल्पेबल होता है क्या, देखना होता है। सो अदरवाइज रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे एंड समटाइम्स एमआरआई इज आल्सो यूज, एमआरआई इज आल्सो कंडक्टेड बिकॉज ऑफ द डिटेक्शन ऑफ द एनी सिस्ट। ओके, डिटेक्शन ऑफ एनी सिस्ट और मास और सिस्ट डिटेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। अदर देन दिस समटाइम्स लैप्रोस्कोपी इज आल्सो कंडक्टेड, लैप्रोस्कोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज हियर लैप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन। ओके, लैप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन मीन्स द लैप्रोस्कोपी इज इंट्रोड्यूस इन टू दी आइदर पेल्विक ऑर्गन्स आइदर इन दी एब्डोमिनल ऑर्गन्स टू विजुअलाइज दी
ओके यूजुअली दी एक्टोपिक एंडोमेट्रोसिस, मतलब एक्टोपिक एंडोमेट्रोसिस टिश्यू है या नहीं है देखने के लिए लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स बायोप्सी इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। बायोप्सी कभी कभी बायोप्सी भी करते हैं, बायोप्सी फ्रॉम दी एक्यूरेट साइट, कौन सा जगह में जो पेन हो रहा है वो जगह से वो टिश्यू टिश्यू को और सेल को एग्जामिनेशन बायोप्सी को भेजना जरूरी होता है। समटाइम्स दैट मे कॉज द सिस्ट परमिशन और कैंसर परमिशन, ट्यूमर परमिशन, ट्यूमर परमिशन का भी चांसेस होता है। ओके दीज आर ओनली द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस, द डेफिनेटली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ओके एंड मेनिस्ट्रुअल हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री। नेक्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, MRI, लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, डेफिनेटली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, बायोप्सी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI, एक्सरे में सिस्ट और एनी ब्लीड इनसाइड द पेल्विक ऑर्गन्स और इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब और एब्डोमिनल ऑर्गन्स में इसमें ब्लीडिंग साइट मालूम होता है और इसके हम एक्यूरेटली किस क्यों हो रहा है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने के लिए लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। सो दिस इज द लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड बायोप्सी आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। इस तरीके से हो रहा है एंडोमेट्रियोसिस में पेन हो रहा है, मेनिस्ट्रुअल इररेगुलरिटी हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंडोमेट्रियल टिश्यू नॉर्मल साइड से दूसरा साइड्स में अटैचमेंट है, नॉर्मल साइड से दूसरा साइड में इम्प्लांट है। सो उसको हमने मैनेजमेंट क्या करना होता है, तो क्योंकि हर एवरी मंथली मैनेजमेंट में सिंपली देख लीजिए ओवरी हार्मोन इस्ट्रोजन एंड प्रोजिस्टेरॉन, इस्ट्रोजन एंड प्रोजिस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करते हैं ओवरी, ये रिलीज करने से क्या होता है, सो ओवम रिलीज होता है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल होता है। सो जब मेनिस्ट्रुअल साइकिल होता है तब ओके एक्टोपिक एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियल टिश्यू, एक्टोपिक मतलब दूसरा जगह में जो एक्टोपिक मतलब आउट ऑफ द ओरिजिनल साइट, ओरिजिनल साइट से दूसरा जगह में जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है वो क्या करता है, ब्लीड करते रहते हैं। ओके सो इस टाइम हमने ऐसा मेडिसिन देना है, ओके मेनिस्ट्रुएशन होना ही नहीं चाहिए, मेनिस्ट्रुएशन अगर नहीं हुआ तो ये ओवरी इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं करेगा, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं किया तो क्या करता है, मेनिस्ट्रुएशन नहीं होता, मेनिस्ट्रुएशन नहीं होगा तो ये ब्लीड करेगा भी नहीं। 4-5 महीने और 7-8 महीने तक मेनिस्ट्रुएशन स्टॉप करना है, मेनिस्ट्रुएशन स्टॉप कर दिया तो ये हील अप हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, डेड हो जाता है। सो इस तरीके से मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इन द एंडोमेट्रियोसिस इज बर्थ कंट्रोल पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स देना है, मतलब बर्थ भी नहीं होता इसके वजह से। सो मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस मैनेजमेंट, सो बर्थ कंट्रोल सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बर्थ कंट्रोल पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, ओके बर्थ कंट्रोल पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स मीन्स प्रिवेंट मेनिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंट मेनिस्ट्रुएशन। बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या करते हैं, प्रिवेंट मेनिस्ट्रुएशन, मेनिस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट मेनिस्ट्रुएशन, ओके मेनिस्ट्रुएशन प्रिवेंट होने से क्या होता है, मेनिस्ट्रुएशन नहीं होता दैट प्रिवेंट्स इरिटेशन, दैट प्रिवेंट्स इरिटेशन, इरिटेशन प्रिवेंट करता है, एज वेल एज दैट प्रिवेंट्स द पेन, पेन को भी प्रिवेंट करता है। जब मेनिस्ट्रुएशन होता है वही ब्लड क्या आता है, वो ब्लड के वजह से पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, एडेजेंस हो रहा है, अगर हमने मेनिस्ट्रुएशन करने नहीं दिया तो क्या होता है, सो दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट द पेन, इरिटेशन, ब्लॉकेज, ओके सो दैट्स वाई बर्थ कंट्रोल पिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स इन द एंडोमेट्रियोसिस। ओके सो फॉर एग्जाम्पल आप बर्थ कंट्रोल पिल्स आर ओके लोइस्ट्रीन, लोइस्ट्रीन एफी करके आता है, लोइस्ट्रीन एफी, ओके लोइस्ट्रीन एफी, दीज आर द बर्थ कंट्रोल पिल्स, लोसोसोनिक्यू, दीज आर द ड्रग्स नेम, दीज हेल्प्स टू प्रिवेंट द मेनिस्ट्रुएशन, मेनिस्ट्रुएशन प्रिवेंट करने में मदद करता है। ओके इस तरीके से ड्रग्स हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स, लाइक बर्थ कंट्रोल पैचेस भी आता है, बर्थ कंट्रोल पैचेस,
ओके ये पैचेस आता है, पैचेस भी अप्लाई कर सकते हैं ओके, बर्थ कंट्रोल पैचेस, ओके बर्थ कंट्रोल पिल्स दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट द मेन्स्ट्रुएशन ऑफ द फीमेल, फीमेल को मेन्स्ट्रुएशन से प्रिवेंट करते हैं ओके। दीज मेडिकेशंस आर एडमिनिस्टर्ड टू द फीमेल अप टू थ्री मंथ्स, अप टू थ्री मंथ्स, तीन मंथ मेन्स्ट्रुएशन स्टॉप करना, और मोर देन थ्री मंथ्स, और मोर देन थ्री टू सिक्स मंथ्स, थ्री से सिक्स मंथ्स तक क्या करना है, कंटिन्यू मेडिसिन देना है ओके। दैट कॉजेस द एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू, एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू क्या होता है, एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू, टिश्यू एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू इज शेड अप और श्रिंक, श्रिंक हो जाता है ओके, श्रिंक मतलब डेड हो जाता है ओके, डेथ होता है, इसलिए बर्थ कंट्रोल पिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स इन द मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ओके। सो अदर देन दिस प्रोजिस्टेरॉन ओनली ड्रग्स, प्रोजिस्टेरॉन ओनली पिल्स करके आता है, दीज आर ऑल्सो क्या है, बर्थ कंट्रोल पिल्स है, बर्थ कंट्रोल पिल्स ओके। प्रोजिस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं, प्रोजिस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रोजिस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव ओके, प्रोजिस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव। प्रोजिस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन दोनों हार्मोन ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं, सो ओवरी को स्टिमुलेट करने से मेन्स्ट्रुएशन होते रहते हैं। प्रोजिस्टेरॉन एक्चुअली मेन्स्ट्रुएशन के इनहिबिट करते हो, ओम रिलीज करके ईस्ट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो प्रोजिस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव में मोस्ट प्रोजिस्टेरॉन हार्मोन होता है। ये प्रोजिस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रोजिस्टेरॉन ईस्ट्रोजन के बारे में समझ में आने के लिए मेन्स्ट्रुअल साइकिल में हार्मोनल एसपीओ एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओके, हार्मोनल एक्सिस के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। जब प्रोजिस्टेरॉन लेवल बढ़ता है, ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है, जब एफएसएच एंड एलएसएच का रिलीजिंग भी उसमें थोड़ा मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म पढ़ा तो समझ में आएगा। प्रोजिस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स दिस मेडिसिन कंटेन्स प्रोजिस्टेरॉन हार्मोन दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट द ओवुलेशन, ये भी ओवुलेशन प्रिवेंट करते हैं, सो दैट प्रिवेंट्स द इरिटेशन पेन ओके, एंडोमेट्रियल पेन से प्रिवेंट करने के लिए प्रोजिस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना वेरी इंपॉर्टेंट है ओके। ड्रग्स का नाम, मार्केट में ड्रग्स अवेलेबल होता है मिनी प्रिल करके, मिनी प्रिल ओके, मिनी प्रिल इज द ड्रग ऑफ प्रोजिस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव ओके, मिनी प्रिल इज द ड्रग ऑफ व्हाट, प्रोजिस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव ओके। तो इसके अलावा भी हमने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग भी यूज करते, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग, एनालॉग मीन्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जैसा ही काम करते हैं ओके। जब जीएनआरएच, जीएन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा होता है तब इसके वजह से क्या होता है, आइदर एफएसएच हार्मोन्स का लेवल कम होता है, एफएसएच हार्मोन्स लेवल कम होने से ओवरी के ऊपर स्टिमुलेशन कम होता है, सो ओवरी वो हार्मोन रिलीज नहीं करता है। ये जब सप्रेस होता है तब क्या करते हैं, ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हार्मोन से स्टिमुलेशन से मेन्स्ट्रुएशन होता है, ओम रिलीज होता है ओके। सो इसलिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग देना है ओके, मींस दैट हेल्प्स टू ओके, दिस मेडिकेशंस कॉजेस ओवरी टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग ईस्ट्रोजन ओके। ये मेडिसिन देने से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग देने से ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन, ईस्ट्रोजन है तो मेन्स्ट्रुएशन होता है ओके। ये हार्मोन जब ज्यादा होता है तब ईस्ट्रोजन कम होता है, जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है इधर, जब जीएनआरएच कम होता है, सो जीएनआरएच को कम करना ही नहीं देने का, सो इसलिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग, द हार्मोन विच द पिल्स विच स्टिमुलेट द रिलीजिंग ऑफ द गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, सो दिस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग दैट हेल्प्स टू स्टॉप द ईस्ट्रोजन, दैट ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीजेस दैट कॉजेस द स्टॉपेज ऑफ द मेन्स्ट्रुएशन, मेन्स्ट्रुएशन स्टॉप होता है, सो मेन्स्ट्रुएशन स्टॉप होने से सो इधर हम लोग एंडोमेट्रियोसिस का सिम्टम से बचाव कर सकते हैं ओके। सो ग्वेसरलिन एग्जाम्पल, आप गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ग्वेसरलिन करके मार्केट में अवेलेबल होता है ड्रग ओके, जोलाडेक्स, इसको सिंपल जोलाडेक्स करके भी आता है, जोलाडेक्स ओके, ग्वेसरलिन, जोलाडेक्स ओके, लिप्रोटाइड ओके, लिप्रोटाइड करके भी आता है, सो इसको सिना
सिनारेट भी बोलते हैं सिनारेट। ओके सो इस तरीके से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का हमने ओके यूज करते हैं। नेपेरलिन करके भी आता है, नेपेरलिन नेपेरलिन ओके, दीज आर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एग्जांपल्स है। ओके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एग्जांपल ओके इस तरीके से ये होता है। ओके दीज आर गिवन शॉर्ट टेकन वंस इन एवरी 28 डेज। ये कभी कभी महीने में एक बार दो बार लेने का टैबलेट्स होता है। ओके जब मेंस्ट्रुएशन होने का डेट आता है उस टाइम एक नहीं तो 15 दिन के एक और महीने में दो नहीं तो महीने में एक गोली गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग देना होता है। ये देने से क्या होता है सो फीमेल को मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होने से एंडोमेट्रियोसिस प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। सो और बहुत सारा मेडिकेशन आता है। सो फर्स्ट मेडिकेशन इज बर्थ कंट्रोल पिल्स, देन प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग देना है। सो अदर देन दिस सो वी कैन यूज ड्रग विथ एंटी गोनाडोट्रोपिक एक्शन। ओके एंटी गोनाडोट्रोपिक एक्शन ओके डेनाजोल करके आता है डेनाजोल, एंटी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। दिस स्टॉप द एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन। ये ड्रग देने से क्या होता है एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन प्रिवेंट करते हैं, स्टॉप्स एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन दिस स्टॉप द एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन, एंडोमेट्रियल का प्रोलिफरेशन को स्टॉप करते हैं, एज वेल एज प्रिवेंट्स ओवुलेशन, ओवुलेशन भी प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट्स ओवुलेशन एंड प्रिवेंट्स एंडोमेट्रियल, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन मतलब जो एंडोमेट्रियल सेल क्या प्रोडक्शन होता है मतलब वो वापस ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ से प्रिवेंट करता है। सो एंटी गोनाडोट्रोपिक एक्शन से ओके डोनाजोल में भी यूज टू सप्रेस ओवरइन एक्टिविटी, ओवरइन एक्टिविटी कम करने के लिए यूज करते हैं। ओके अरोमेटेज इनहिबिटर्स भी करके मेडिसिन देता है, अरोमेटेज इनहिबिटर्स, अरोमेटेज इनहिबिटर्स, अरोमेटेज इनहिबिटर्स। अरोमेटेज मतलब क्या होता है, अरोमेटेज दीज आर द बूस्टर ऑफ द ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है अरोमेटेज में, ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है। अगर ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो मेंस्ट्रुएशन होता है। अगर अरोमेटेज इनहिबिटर ये ईस्ट्रोजन अरोमेटेज को इनहिबिट करने का मेडिसिन यूज करना, अरोमेटेज मीन्स दीज आर बूस्टर ऑफ द ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन में मदद करता है। अगर वो ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन मदद करना करने का जो है उसको हमने इनहिबिट किया तो सो मेंस्ट्रुएशन होता भी नहीं है। सो इस तरीके से मेडिकेशन यूज करते हैं, एग्जांपल अरिमिडेक्स। सो अरिमिडेक्स करके मेडिसिन आते हैं, अरिमिडेक्स अरोमेसम, अरोमेसम करके भी आता है, अरिमिडेक्स अरोमेसम, अरोमेसम ओके इस तरीके से मेडिकेशन आते हैं। ये अरोमेटेज इनहिबिटर्स बोलते हैं, अरोमेटेज इनहिबिटर्स दैट हेल्प्स टू अरोमेटेज इज द बूस्टर ऑफ द ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन, व्हेन दिस प्रोडक्शन इज स्टॉप्स बाय द इनहिबिटर मेडिसिन दैट हेल्प्स टू ओके दैट हेल्प्स टू सप्रेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन लेवल, सो दैट कॉजेस द एन ओवुलेशन मीन्स दैट स्टॉप द ओवुलेशन, सो दैट मे हेल्प्स टू प्रिवेंट्स द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने में मदद करते हैं अरोमेटेज इनहिबिटर्स। ओके इस तरीके से हमने मेडिकेशन देना, बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, ओके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग, एज वेल एज फिर बाद में एंटी गोनाडोट्रोपिक एक्शन का हार्मोन्स भी देता है एंड अरोमेटेज इनहिबिटर्स भी देता है। इस तरीके से हम मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट करना होता है व्हाट एंडोमेट्रियोसिस। देन लास्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं ओके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं ओके। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पर एंडोमेट्रियोसिस रिमूव टिश्यू थ्रू द लैप्रोस्कोप ओके, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ओके। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में टू यूज द लैप्रोस्कोप, देन यूज द लैप्रोस्कोप ओके दैट हेल्प्स टू रिमूव द एंडोमेट्रियल टिश्यू, एंडोमेट्रियल टिश्यू, एंडोमेट्रियल टिश्यू निकालना है कौन सा एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू, अगर पेल्विक कैविटी में है पेल्विक कैविटी से एंडोमेट्रियल टिश्यू रिमूव करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है स्मॉल इंटेस्टाइन से एंडोमेट्रियल टिश्यू रिमूव करना है
ओके, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट लैप्रोटोमी भी कर सकते हैं, एब्डोमिनल ओपनिंग। लैप्रोटोमी मींस एब्डोमिनल ओपनिंग, लैप्रोटोमी। ओके, इट इज अ ओपनिंग ऑफ द एब्डोमिन थ्रू द ओके इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट से एब्डोमिन ओपन करके उसको जो द डिफेक्टिव पार्ट इज ट्रीटेड विद द लैप्रोटोमी से ट्रीटेड करते हैं। ओके, इफ सपोज द हेवी कॉम्प्लिकेशन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो हिस्टरेक्टोमी भी कर सकते हैं। हिस्टरेक्टोमी कहिए तो देर इज नो मेंस्ट्रुएशन। ओके, मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता है, यूट्रस ही नहीं होता उधर, सो ओम रिलीज होकर यूट्रस तक आता भी नहीं, इसकी वजह से एक्टोपिक जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो भी स्टिमुलेशन नहीं होता एवरी मंथली। सो अगर सीवियर कंडीशन है तो हिस्टरेक्टोमी भी कर सकते हैं उसके। ओके, समटाइम्स रिमूवल ऑफ द ट्यूब्स ओवरीज भी कर सकते हैं विदाउट हिस्टरेक्टोमी। हिस्टरेक्टोमी नहीं कर रहे तो अगर ओवरी में है तो रिमूव द ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब कभी कभी रिमूव करते हैं, कभी कभी ओवरी भी रिमूव कर सकते हैं विदाउट हिस्टरेक्टोमी। इस तरीके से भी सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। ओके, एंडोमेट्रियोसिस सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, नहीं तो लैप्रोटोमी करते हैं, आइदर सीवियर कंडीशन हिस्टरेक्टोमी, आइदर विदाउट हिस्टरेक्टोमी, आइदर रिमूवल ऑफ द ट्यूब्स, आइदर रिमूवल ऑफ द ओवरी। मेडिकल मैनेजमेंट में ओके बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, ओके गोनाड्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग एंड अरोमेटिक इनहिबिटर्स, एंटी गोनाड्रोट्रोपिक ड्रग्स देते हैं। डायग्नोस्टिक क्वालिफिकेशन में हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ओके MRI लेजन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस विथ ए न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।